टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये हमारा फाइनल पार्ट है, यहाँ से हम की तक पूरा एंड तक चैप्टर को लिविंग वर्ल्ड पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से, और इससे पहले आप प्रीवियस पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में दो वर्ड आता है, टैक्सोनॉमी और कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी में दो वर्ड आता है, टैक्सो और नॉमी। टैक्सो का मतलब होता है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या टैक्सो का मतलब होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इसको टैक्सा भी बोलते हैं, टैक्सो को हम टैक्सा भी बोलते हैं, और टैक्सा का मतलब होता है कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉमी, नॉमी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉमी का मतलब होता है नेम, यानी टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नेम के नेम को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, तो डेफिनेशन होती है टैक्सोनॉमी की कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, वो टैक्सोनॉमिक कहलाता है। आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था, पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, अगर आप देखेंगे लेक्चर तो। ये देखिए, ये लाइन थी एनसीईआरटी की, कि इससे क्वेश्चन नीट में आता भी है कि हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासीफाई करना। अब पूछोगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है क्या गुण है उसके अंदर, उसके बेसिस पे क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब वर्गीकरण करना, उसको बांटना, उसको टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है, समझ में आया टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। और कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, कैटेगरीज का मतलब होता है श्रेणी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करा और हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। ये देखिए, एग्जांपल मैंने लिया टाइगर, लॉयन, काउ, ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं क्या, टैक्सा, और इनके सारे नेम है, इसलिए नेम है इसलिए हम बोलते हैं नॉमी, यानी टैक्सोनॉमी। लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनके नेम भी रखे गए, इसलिए ये टैक्सोनॉमी हो गए, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन क्या थी, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासीफाई करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब वो हम समझते हैं कैसे, ठीक है। तो देखो, मैंने टाइगर, लॉयन, काउ, ये तीन एग्जांपल लिए हैं। अब इसके कैरेक्टर्स कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखो, टाइगर, टाइगर के कितने लेग्स होते हैं भैया, चार, ठीक है। लॉयन के कितने होते हैं, चार, दो हाथ पांव दोनों चार ही तो हो गए ना, दो दो मिला के। और गाय के भी कितने होते हैं, चार, चार लेग्स होते हैं। तो ये देखो, एक ये तो एक ये कॉमन हो गया स्टेप, ठीक है। अब देखो, टाइगर, लॉयन और काउ में भैया तीनों में एक ही पूंछ होती है, सब में एक ही पूंछ होती है, ठीक है, ये एक और कैटेगरी अलग हो गई। फिर बात करते हैं फूड की, टाइगर और लॉयन भैया ये दोनों क्या खाते हैं, जो टाइगर और लॉयन है ये मीट खाते हैं, जो मीट खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो मीट खाते हैं उसको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, कार्निवोरस, मतलब वो मीट खाते हैं। लेकिन गाय जो है, गाय क्या करती है भैया, गाय ग्रास खाती है, जो घास खाती है उसको क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस या हर्बीवोर, ठीक है। अब देखो, ये सारे क्या है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब इसको हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे बांट रहे हैं, भैया चार लेग होते हैं, एक पूंछ होती है, लेकिन ये भैया खाना अलग खाते हैं, ये अलग खाते हैं, ये तो सेम है इसका क्लासिफिकेशन, चार इनमें भी पूंछ होती है, चार इनमें भी पैर होते हैं, एक इनमें भी पूंछ होती है, तीनों में ये दोनों चीज सेम है, लेग्स और टेल तो दोनों में सेम होती है। लेकिन अब बात करते हैं फूड, जो टाइगर लॉयन है वो भैया मीट खाते हैं, और जो काउ है वो घास खाती है, वो हर्बीवोरस है। ये एक और स्टेप हो गया कि हम पता लगा सकते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आप देखेंगे। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, डेंजरस, तो भैया देखो सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, सबसे ज्यादा डेंजरस लॉयन, टाइगर, ये दोनों डेंजरस है, तो ये मोस्ट डेंजरस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन गाय से आपको कभी खतरा है, गाय से खतरा होता है, बहुत कम खतरा होता है, क्योंकि गाय जो है क्या खाती है, वो घास खाती है, तो गाय जो है सिंपल है। तो देखो, ये कुछ स्टेप है क्लासिफिकेशन के, माना कि तीनों के भैया चार पैर हैं, एक पूंछ है, लेकिन भैया ये जो है मांस खाते हैं और ये जो है घास खाते हैं, ठीक है।
और भैया सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है टाइगर लॉयन होते हैं, और गाय जो है सिंपल होती है। ये तो एक डिग्री हमने कौन सी डाल दी कि भैया डेंजरस कौन है, डेंजरस टाइगर लॉयन है। और टाइगर और लॉयन में कौन सबसे ज्यादा डेंजरस है, लॉयन ज्यादा डेंजरस होता है ना, तो लॉयन सबसे ऊपर कैटेगरी में हो गया, फिर उससे कम जो है सेकेंड नंबर पे टाइगर हो गया। और काउ तो भैया डेंजरस नहीं होती इसलिए वो सिंपल होती है। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई करा, ये सारे क्लासिफिकेशन के स्टेप लिए, और हमने क्या लिए उसके कैरेक्टर्स लिए कि भैया चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, क्या क्या खाते हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, इन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे हम उठाते हैं और उसको हम कैरेक्टर्स लेते हैं, फिर एक कैटेगरी में डालते हैं। जैसे हमने एक कैटेगरी बनाई, ये डेंजरस होता है, ये कम डेंजरस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। मतलब कहने का मतलब ये कि क्लासिफिकेशन जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, कोई सिंगल स्टेप में नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हम अपनाते हैं। बट इन्वॉल्व हायरार्की, हायरार्की का मतलब आप लिख लीजिएगा यहाँ पे चेन, एक चेन बना के हम चलते हैं, चेन बना के हम एक स्टेप लेते हैं जिससे हम एक रिप्रेजेंट करते हैं रैंक या कैटेगरी। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देखो ये हमने क्लासिफाई करा था कुछ ऑर्गेनिज्म को, टाइगर लॉयन काऊ को, तो हमने एक स्टेप में नहीं देख लिया था कि हमें नहीं पता लगा था कि इन सबके चार पैर होते हैं, तो ये पहला स्टेप में तो हमें ये पता लगा कि इन सबके चार पैर होते हैं, दूसरे स्टेप में हमने देखा कि इनके क्या होती है पूंछ होती है, तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि ये खाते क्या है, तो हमें पता लगा कि भैया गाय जो है, तीसरे स्टेप में पता लगा गाय जो है अलग है किससे, शेर और चीते से, हमें तीसरे स्टेप में पता लगा, चौथे स्टेप में पता लगा भैया हमें डेंजरस कौन है, टाइगर और लॉयन दोनों डेंजरस है एज कम्पेयर टू गाय। तो हमें ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप में नहीं होता है, कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं कोई सिंगल स्टेप में नहीं क्लासीफाई करते, उसको कंपेयर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो बट इन्वॉल्व इन हायरार्की, हायरार्की का मतलब चेन, चेन का मतलब क्या, जैसे अभी मैंने कैरेक्टर्स लिए थे, एक लेग्स कितनी है, टेल्स कितनी है, फूट क्या खाते हैं, ये सारी एक चेन बना के चलते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट आ रैंक और कैटेगरी, जिसमें हर एक स्टेप में हम एक रैंक और कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाई एन एग्जाम्पल, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फ्यूचर्स। देखो इन्होंने, हमने तो एक एग्जाम्पल आपको दे के बताया टाइगर कैट और लॉयन का, अब ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। ठीक है, हायरार्की का मतलब चेन, आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसको समझाने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया, रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, इसका एक कॉमन फ्यूचर क्या है कि तीन पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि एक कॉमन फ्यूचर टाइगर के क्या होते हैं, दो पेयर होते हैं लेग्स के, ऐसे गाय के भी दो पेयर होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि इंसेक्ट वो होता है जिनके तीन पेयर जॉइंटेड लेग हों, जिनके मतलब तीन पेयर का मतलब क्या, छः जो हों पैर हों जो जुड़े हुए हों, वो जिन कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके छः पैर जुड़े होंगे वो इंसेक्ट होगा, इन्होंने एक कॉमन फ्यूचर बताया कि वो इंसेक्ट की जाति में आता होगा। समझ में आया, इट मीन इंसेक्ट को आप पहचान लेंगे कि ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाई एंड थस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी, कैन यू नेम सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, और ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो इन्होंने यही बोला है कि हम कोई एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल लिया, इंसेक्ट को हम ऐसे पहचानेंगे कि तीन पेयर उसके लेग्स होते हैं, इन्होंने एक एक ही सिर्फ स्टेप बताया कि हम इंसेक्ट को ऐसे पहचानेंगे जिनके तीन पेयर लेग्स होते हैं, लेकिन भैया और स्टेप ये भूल गए। अगर मैं आपको वो बताऊं, आर्थ्रोपोडास में लेके चलूं, इंसेक्ट्स में आप जो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स के बहुत सारे फ्यूचर्स होते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, आप देख रहे होंगे कि इंसेक्ट्स वो होते हैं जिनके तीन पेयर जॉइंटेड लेग होते हैं, इन्होंने ये बोला है एक पेयर, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये,
एक पेड़ ये, दूसरा पेड़ ये, तीसरा पेड़ ये, तो इन्होंने एक कॉमन कैरेक्टर्स दे दिया है कि इंसेक्ट को आप ऐसे पहचान सकते हो, लेकिन इसके और भी सारे फीचर्स हैं जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। ये समझ में आया? इन्होंने बोला कि इंसेक्ट को आप ऐसे पहचान सकते हो कि जिसके 3 पैर लेग्स हो, तो इसका मतलब ये है कि इंसेक्ट आप पहचान लोगे। अब मैं आपको बोलूँ कुत्ता, कुत्ते से आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? आपके दिमाग में पहले कुत्ते की शक्ल आती है, कुत्ते, फिर आपके दिमाग में आता है कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, लेकिन वो तो हर जानवर में होती है मैक्सिमम कॉमन। तो इसलिए तो हम क्लासीफाई करते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टीज में कॉमन है, लेकिन विशेषता क्या है कुत्ते में? कुत्ते की आवाज़ अलग होती है, कुत्ते के दांत अलग होते हैं, कुत्ते के कान अलग होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके वजह से पहले तो सारे ऑर्गेनिज्म में देखते हैं क्या क्या सेम है, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस है, कितना खतरनाक है। तो ये सारे एक स्टेप होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि देखो इसका मतलब इंसेक्ट रिकॉग्नाइजेबल है, वैसे कुत्ता भी आप पहचान लोगे, कुत्ते की इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। ठीक है, तो इसको फिर क्लासीफाई करते हैं और एक रैंक देते हैं कि कुत्ता ज़्यादा खतरनाक है बिल्ली से, कि बिल्ली ज़्यादा खतरनाक है कुत्ते से। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ले लिए, जैसे मैंने आपको बताया था टाइगर ले लिया, लॉयन ले लिया और काउ ले ली, फिर हमने इसको क्लासीफाई करा कि कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे ही हम ले लेंगे क्या सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा वो फर्स्ट आता है, मतलब आपकी क्लास में फर्स्ट कौन आता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा होता है, जो ज़्यादा पढ़ता है। तो वैसे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा उसको नंबर 1 पे डाल देंगे, जो सबसे कम खतरनाक होगा उसको लास्ट नंबर पे डाल देंगे, तो एक डेंजरस की कैटेगरी बना देंगे। इतना समझ में आया? तो वही है कि हम एक एक रैंक दे देंगे उसको कैटेगराइज करने के बाद, एक रैंक दे देंगे, ये नंबर 1 पे है खतरनाक, ये नंबर 2 पे है। ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मैंने आपको पहले बताया था क्या होती है। ठीक है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था क्या होती है, स्पीसीज, ये आप लिख लीजिएगा, PMT लिख के लिखिएगा, प्री मेडिकल टेस्ट। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट। अब बोला है देखो ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो होते हैं और कैटेगरीज होती है अलग अलग होती है। भाई बिल्कुल सही बोला है, अब मैंने एग्जाम्पल दिया ना भैया, हर कोई अलग अलग कैटेगरीज होती है, कुछ कॉमन होती है लेकिन आगे जाके अलग हो जाती है, जैसे कि लॉयन, कैट, काओ, रैट, इन सब का खाना अलग होता है, काओ अलग खाती है, रैट अलग खाता है, टाइगर अलग खाता है, इन सब का खाना अलग होता है। ठीक है, तो आगे जाके अलग डिफरेंस आ जाता है। द टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। मतलब अगर आप कुत्ते को देखोगे तो कुत्ते की पहचान अलग होगी, बाहरी रूप से भी और अंदर रूप से भी, उसके अंदर जो जीन होगा और उसके जो बोन्स का अरेंजमेंट होगा वो अलग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी टैक्सोनॉमिकल स्टडी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम उनको हम कॉमन कैटेगरीज में डालते हैं। कॉमन कैटेगरीज का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि लिख लीजिएगा आप NCERT पे कि लेग्स, टेल, ये सारे हम कॉमन कैरेक्टर्स पहले इनके हम देखेंगे। ठीक है, तो हम कॉमन कैटेगरीज में डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके देखेंगे क्या क्या डिफरेंस कैरेक्टर हैं और उसके हिसाब से हम इसको सुपीरियर और इन्फीरियर कैटेगरी में डालेंगे। समझ में आया? कोई भी ऑर्गेनिज्म आपने जैसे ढूंढा, ठीक है, जो कि नया ऑर्गेनिज्म आपको मिला, अब आप उसके बेसिस पे आप अरेंज कर सकते हो, जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन। अब देखो फाइलम और डिवीजन ये अच्छे से मैं बताऊंगा, इसका पूरा नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं। फाइलम और डिवीजन, जो हम फाइलम जो यूज़ करते हैं वो एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। सर फाइलम समझ में नहीं आया, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे चैप्टर 4 जो कि है, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि यहीं से क्लियर होते चले चीज़ें। जैसे देखो ये एनिमल किंगडम का मैंने निकाला फाइलम एनिलीडिया, ये एनिमल ही है लेकिन एनिमल्स के आगे फाइलम हम लगाते हैं। जैसे देखो फाइलम मोलस्कस, फाइलम आर्थ्रोपोडास, फाइलम एस्के हेलिमेंथिस, तो ये सारे फाइलम्स लगते हैं एनिमल्स के आगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट के आगे क्या लगता है, प्लांट के आगे डिवीजन लगता है। ठीक है, प्लांट के आगे क्या लगता है, डिवीजन। समझ में आया? तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, एक्चुअली ये जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की है जिसको हम स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। देखो अगर सिंगल चीज होगी स्पीसीज, इसको सिर्फ हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ये एक चेन बना रही है पूरी, एक ये चेन बन रही है।
जब ये पूरी चेन बहुत सारी जब कैटेगरी मिलेगी, स्पीसीज एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है, फैमिली एक कैटेगरी है, जब ये सारी कैटेगरी मिलती है, इन सबको मिला के एक चेन बनती है, और इस चेन को हम क्या बोलते हैं, हायरार्की, और सबको मिला के क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो देखो टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है सिंगल, जब बहुत सारी टैक्सोनॉमी कैटेगरी मिलती है तो वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, अब समझ में आ गया होगा आपको। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने पहले पहच डिस्कवर करा तो उसके हम कुछ कैरेक्टर्स मिलाएंगे जो आगे जाके डिफरेंस होते जाएंगे, इनके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक हायरार्की अरेंजमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे नीट एम्स जिपमर में आया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका ऑर्डर पूछ लेता है। याद करने की जो ट्रिक है, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आप ये स्पीसीज से आप इंक्रीज करते जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, पी सी ओ एफ जी एस। सर ये क्या है, पी सी ओ एफ जी एस क्या है? देखो किंगडम मैंने छोड़ दिया, अब बता रहा हूँ क्यों, फाइलम का मैंने पी निकाल लिया, क्लास का मैंने सी निकाल लिया, ऑर्डर का मैंने ओ निकाल लिया, फैमिली का मैंने एफ निकाल लिया, जीनस का मैंने जी निकाल लिया, स्पीसीज का मैंने एस निकाल लिया, और सबका पहला वर्ड निकाल लिया और मैंने लिख दिया पी सी ओ एफ जी एस। सर ये कैसे याद होगा? ये ऐसे याद होगा, पहले जब आप छोटे थे, जब आपके घर में फ़ोन नहीं था, तो आप कहाँ पे जाते थे फ़ोन करने? सर पी सी ओ बूथ पे जाते थे, तो वहाँ क्या लिखा होता था, एस टी डी आई एस डी पी सी ओ, तो पी सी ओ मैंने वहाँ से निकाल लिया है। पी सी ओ कहाँ से निकाल लिया? पी सी ओ तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि सबने बचपन में वहाँ पर कॉल किया होगा फ़ोन बूथ पर, तो पी सी ओ वहाँ से निकाल लिया है पी सी ओ। अब ए बी सी डी आती है आपको, तो एफ जी एस आप लगा सकते हैं, क्योंकि जी के बाद एच वगैरह कुछ है नहीं, एफ जी एस ऑर्डर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो पी सी ओ आपको याद तो करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ए बी सी डी अगर आपको आती है तो आप इसको याद कर लेंगे। तो उसको याद मैंने ऐसे करा है, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम। अब बात करते हैं सर किंगडम कहाँ गया, अरे राजा तो सबसे ऊपर ही होता है ना, तो किंगडम तो सबको याद रहता है, पी सी ओ एफ जी एस याद करना था बस हमें। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे हम कोई भी स्पीसीज जब हम डिस्कवर करते हैं, जो नई स्पीसीज होते हैं उसको हम स्पीसीज लेवल पे रखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें मिलता है उसको हम स्पीसीज लेवल पे रखते हैं, और यहाँ से हम देखते जाते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स मिल रहे हैं क्या क्या नहीं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, स्पीसीज से ऐसे ये देखो बढ़ रहा है, स्पीसीज से देखो क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ऑर्डर, तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। पी सी ओ आपको याद रहेगा, एफ जी एस आपको ए बी सी डी पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, पी सी जाओगे फाइलम से, आप यहाँ से नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा, यहाँ से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगा। ट्रिक क्या थी, पी सी ओ एफ जी एस। तो ये एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट थी, जिसको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को यहाँ से स्पीसीज लेवल से स्टार्ट करते हैं और किंगडम लेवल तक एंड करते हैं। अभी आपको पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो वही सारा इन्होंने बोला है कि एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट दे दिए, सारे ऑर्गेनिज्म को हमने इंक्लूड करते हैं, जैसे प्लांट एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एस लोएस्ट कैटेगरी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, द बेसिक रिक्वायरमेंट इन इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। अब यही बोला है कि भैया देखो आपने कोई भी स्पीसीज आपने ली, ठीक है, उसको आप कैसे कैटेगरी में डालोगे, तो आपके किसी भी, अब मान लो कुत्ता ही है, कुत्ते को पहचानने के लिए हमने क्या देखा कि उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो हम उसके पहले कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर दूसरे कैरेक्टर से मैच करेंगे, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर से मैच करेंगे। वही बोला गया है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को आप मैच करेंगे और उसको फिर आप मैच करने के लिए ग्रुप में डाल दोगे। आइडेंटिफाई करा उसने, देखा सिमिलरिटीज, मैंने देखो जैसे कि गाय देखी, गाय की सिमिलरिटी देखी मैंने कि टाइगर से भी मैच करा, फिर मैंने मैच करा बफेलो से और सारे ऑर्गेनिज्म से मैच करा, तो मुझे टाइगर और उसमें क्या सिमिलरिटी मिली कि चार भैया पैर होते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म से सिमिलरिटी मिल गई, एक पूछ मिलती है, ठीक है, कुछ सिमिलरिटी मिल गई। डिसिमिलरिटी क्या मिली कि भैया गाय जो है घास खाती है लेकिन टाइगर जो है मांस खाता है, तो ये मेरे को सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मिलेगी, फिर आगे जाके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीसीज। क्वेश्चन ये पूछा गया था नीट में
कि यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी होती है क्या, टैक्सोन। क्या होती है, टैक्सोन। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये देखिए, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ डैश। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप, मतलब टैक्सोन किसका ग्रुप है, इकाई किसकी यूनिट है, टैक्सोन कौन से ग्रुप की यूनिट है। टैक्सोन भैया टैक्सोनॉमी की यूनिट है ना, टैक्सोन। तो टैक्सोनॉमी का सिंगल जो होता है टैक्सोन होता है। इतना समझ में आया, ये लिखा भी हुआ है टैक्सा, टैक्सोन। समझ में आया, सिंगल में हम टैक्सोन बोलेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन आया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नीट एम्स जिपमर में आया था। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैंने पहले से लिखा हुआ है। एक्चुअली ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, वो पहली वाली वीडियो डिलीट हो गई थी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन था रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हम किसको बोलते हैं, बेसिक यूनिट हमें बताना है क्लासिफिकेशन की। जो सबसे बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की वो होती है स्पीसीज। ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था। स्पीसीज आर कंसिडर एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया, ठीक है। अब इसको हम ये चैप्टर पूरा लास्ट में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो दिखाने जरूरी थे वो दिखाते चल रहा हूँ। देखते हैं अब एनसीईआरटी में क्या बोल रहे हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एस स्पीसीज। देखो, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का मतलब आपको पता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला कंसीडर, मान के चलिए कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ग्रुप है, 200 लाइन का ग्रुप है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, एक 200 लाइन का ग्रुप है। उसमें से हमने एक इंडिविजुअल अकेले लाइन को हमने निकाला, ठीक है, और उस लाइन को हमने कंपेयर करा 199 लाइन से। तो हमने देखा कि उसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिल रही है। जब उसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज क्या क्या है, जैसे मान लीजिए ये बोला है 200 लाइन है, ठीक है, हमने ये पूरा एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हमने एक लाइन को निकाल लिया, एक लॉइन को निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि 199 लॉइन से कंपेयर कर रहे हैं कि भैया एक लॉइन यहाँ रख दिया और 199 लॉइन यहाँ रख दिया। अब कैसे बोलोगे कि ये लॉइन, ये भी लॉइन है, कैसे बोलोगे। पहले तो आप देखोगे उसका कलर, हाँ उसका कलर मैच हो रहा है 199 लॉइन से कि नहीं हो रहा, ठीक है, आप बोलोगे हाँ कलर मैच हो रहा है। दूसरा क्या देखोगे आप, उसका फेस स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है। तीसरा आप देखोगे इसकी पूंछ है कि नहीं है, टेल है कि नहीं है। चौथा आप देखोगे, ये सारे क्या है, आप बाहरी रंग से देख के बता रहे हो। जब आप बाहरी रंग से देख के बता रहे हो तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो होते हैं जिसको हम बाहरी रूप से देख के बताते हो। तो ये सारे आप एक लॉइन को ले लिया आपने और 199 लॉइन से कंपेयर कर रहे हो कि सबकी सिमिलरिटी सेम है। एक लॉइन, एक लॉइन भी बच्चा पैदा करेगा, 199 लॉइन भी बच्चा पैदा करेगा, इसमें भी यही कलर है, उसमें भी वही कलर है, तो क्या है। तो आपने फंड, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से आपने देख के बताया। उसने यही बोला कि हमने एक लॉइन को निकाल लिया और हमने देखा 199 लॉइन से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो इसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है, जो बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं, मतलब मैक्सिमम सिमिलरिटीज जो है सेम है किस, तो वो स्पीसीज कहलाएगी। जो एक लॉइन है वो 199 लॉइन से सेम कैरेक्टर है तो स्पीसीज कहला रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो और अच्छे से समझाने के लिए और इन्होंने बताया, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश। अब बोल रहे हैं कि आपने फंडामेंटल सिमिलरिटीज के हिसाब से आपने बता तो दिया ये स्पीसीज है। अब कह रहे हैं अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक स्पीसीज से अदर स्पीसीज को, वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अब देखो ये इस लाइन में ये बोला गया है कि अब मैंने मान लीजिए, ये तो आपको लाइन का समझ में आ गया, मैंने यहाँ एक टाइगर रखा और यहाँ पे एक लॉयन रखा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ये ए वाला टाइगर है, बी वाला लॉयन है, आप बोलोगे हाँ सर ए वाला टाइगर है, बी वाला लॉयन है, बोलोगे हाँ। अब मान लीजिए मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइगर रखता हूँ ए ए में, और मैं यहाँ पे रखता हूँ टाइगर बी में भी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि ए वाला टाइगर है, बी वाला लॉयन है, ध्यान से देखिए, मैं बोलता हूँ ये वाला जो ए है ये टाइगर है, लेकिन जो बी वाला है वो टाइगर नहीं रखा है, वो लॉयन रखा है। आप बोलोगे सर नहीं, ये दोनों ही टाइगर हैं। कैसे आपने देखा, आपने ऐसे देखा कि इसका कलर देखा, फेस देखा, टेल देखा, टाइगर से सिमिलरिटी मैच हो रही है, तो आपने बोला टाइगर है। तो इसमें यही बोला है कि एक स्पीसीज को आप डिस्टिंग्विश तभी कर पाओगे, चाहे वो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब मैंने बताया था क्या,
आप उसके कलर, फेस, टेल, मॉर्फोलॉजिकल, बाहरी कैरेक्टर्स को देख कर आप बताओगे कि वो सेम स्पीसीज है कि नहीं है। इतना समझ में आया? मैंने ये चीज़ बताई आपको कि अगर इन इतनी लाइन में मैंने बस पहला ये बताया कि मैंने एक लॉयन ले लिया 199 लॉयन के ग्रुप में से, और एक लॉयन में जो कैरेक्टर देखे वो 199 लॉयन से मिल रहे हैं, चाहे उसका कलर हो, आई हो, मूछ हो, चाहे कुछ भी हो, 199 लॉयन से मेल खाते हैं। तो वो सिमिलरिटीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, और जब वो मेल खाते हैं तो वो स्पीसीज कहला रही है। इन्होंने ये बोला है। और दूसरा ये बोला है, आपने कैसे पहचाना? आपने उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के पहचाना कि वो स्पीसीज है। जैसे इन्होंने बोला कि आपने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रख ली, जैसे मैंने एक तरफ लॉयन रख दिया, एक तरफ कैट रख दिया, मैंने बोला दोनों ही लॉयन है, आप बोलोगे नहीं सर ये कैट है ये लॉयन है। कैसे? क्योंकि आपने देखा है कैट छोटी होती है, लॉयन बड़ा होता है, ठीक है। कैट में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं सिमिलर लॉयन की तरह, लेकिन लॉयन में कलर अलग है, कैट का कलर अलग है। फिर आप देखोगे लॉयन की जो है दाढ़ी मूछ ज़्यादा है, कैट की कम है। तो ये सब आप कैरेक्टर्स बाहरी रूप से देख के बताते हो ना, तो वही मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बोला गया है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देने के लिए आपको बताया, चलो ठीक है, इतने में भी समझ में नहीं आया तो इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि मान के चलिए लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, हम आम को बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम हम पोटैटो को बोलते हैं, पैंथीरिया लियो हम लॉयन को बोलते हैं। ऑल थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिटेट। ये जो तीनों नेम हमने आपको बोले, आम का, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथीरिया लियो, जो इसका लास्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है। और फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। तो कह रहा है जो फर्स्ट वर्ड जो है मैंजीफेरा सोलेनम पैंथीरिया आर जेनेरिया, मतलब जीनस को रिप्रेजेंट करता है, अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन कैटेगरी। इन्होंने देखो यही बोला है, आपने आलू ले लिया, लॉयन ले लिया, और क्या ले लिया आपने, और आम ले लिया। इन तीनों को आपने कैसे पहचाना, ये आम है, ये आलू है, ये लॉयन है? पहले तो आप उसका शेप देख के पहचानोगे, दूसरा आप उसका रंग देख के पहचानोगे, ठीक है। तो आप अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से देख के पहचानते हो ना, तो वही बोला गया है, ठीक है। हर जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये बोला गया है कि हर जो जीनस है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो जितने भी जीनस है उसमें एक या एक से ज़्यादा जो स्पेसिफिक एपिथेट लास्ट जो नेम है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वो आपको मैं अभी बताऊंगा, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, सोलेनम ट्यूबरोसम हम बोलते हैं पोटैटो को, ठीक है। और एक होता है सोलेनम मेलोंजिला, वो एक अलग है, सोलेनम मेलोंजिला एक अलग है, इसी के कैटेगरी है, लेकिन सोलेनम मेलोंजिला हम बोलते हैं ब्रिंजल को, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरीज है जिसको स्पेसिफिक एपिथेट वाले नेम चेंज होते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हर जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहला वर्ड सेम होगा लेकिन दूसरा वर्ड अलग होगा, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो करता है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती है, कुछ और एग्जाम्पल देखिए बताया। फॉर एग्जाम्पल पैंथीरिया हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। यहाँ आपको समझ में आएगा, देखो इन्होंने बोला है कि देखो पैंथर जो है एक स्पेसिफिक एपिथेट जो है उसका नाम है, टाइगर में आता है, ठीक है। सोलेनियम में कुछ स्पीसीज आती है, निग्रम, मेलोंजिला, ह्यूमन बींग बिलोंग टू हिम स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप इन टू जीनस होमोस्पेसियन, द साइंटिफिक नेम थस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमोसेपियंस। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको सिंपल वे में स्पीसीज समझाया था क्या होती है। मुझे लगता है स्पीसीज आपको समझ में आ गई होगी। स्पीसीज वो होती है एक ग्रुप में ऑर्गेनिज्म, उसका अगर हम सिंगल पर्सन को निकालेंगे, उसके कैरेक्टर्स हम मैच करेंगे, तो उससे मैच होने चाहिए जितने ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के। और अगर इसकी डेफिनेशन में बताऊं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स एंड दे इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वो स्पीसीज कहलाएगी, उसका बच्चा आगे जाके बच्चा पैदा करे तो वह स्पीसीज कहलाएगी। अब देखो बात करते हैं, हमने ये ऑर्डर याद कर रहा PCOFGS, हमने स्पीसीज पढ़ लिया क्या होता है। अब देखो हम जब स्पीसीज से आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो जो एक प्रजाति हमने खोजी, ठीक है, तो हमें पता लगा कि स्पीसीज लेवल पे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो सिमिलर होंगे,
फिर आगे जब हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो कैरेक्टर जो है कम होते जाएंगे। जैसे मैंने आपको टाइगर, लॉयन और काऊ का एग्जांपल लिया था, मैंने बताया कि टाइगर, लॉयन और काऊ में हमने देखा कि पैर वगैरह सारे सेम थे, लेग्स थे, लेकिन हमें डिफरेंस कहाँ मिला कि ये दोनों कुछ और खाते हैं, काऊ कुछ और खाती है। तो ऐसे ही हम हायर लेवल पे जब जाएंगे तो अलग अलग हमें डिफरेंस मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं जीनस। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो जीनस वगैरह है ये हमने जो टेबल पढ़ी, स्पीसीज जीनस फैमिली, तो देखो स्पीसीज के बाद आप जितनी भी आगे ऑर्डर पे, जब हायर ऑर्डर पे आप जाओगे, तो जब आप इसको डिफाइन करोगे तो इसमें बस यही डिफाइन करोगे कि स्पीसीज से मिलता जुलता कैरेक्टर जो होगा वो जीनस कहलाएगा, और ऐसी जीनस से जो कुछ कैरेक्टर्स जो मिलेंगे वो फैमिली कहलाएंगे, फैमिली से जो कैरेक्टर्स कुछ मिलेंगे वो ऑर्डर कहलाएंगे। जब आप जैसे हायर लेवल पे जाओगे तो कैरेक्टर जो है बहुत कम सिमिलरिटीज मिलेगी, ठीक है। हालांकि इन सबसे क्वेश्चन आता नहीं है नीट में या सीबीएसई बोर्ड में, सिर्फ स्पीसीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए स्पीसीज मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। अगर इससे कोई डेफिनेशन वगैरह आती नहीं है, और डेफिनेशन आती भी है तो आप बहुत आराम से बताओगे अगर सीबीएसई बोर्ड में आएगी, कि स्पीसीज से कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे वो जीनस कहलाएगा, जो जीनस से कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे वो फैमिली कहलाएगी। तो ऐसे ही आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए एनसीईआरटी में दिखा देते हैं आपको कैसे डिफाइन कर रखा है। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, वही देखो बोला है, जीनस कंप्राइज करता है कि एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरिया। मतलब वही इसको डिफाइन करने के लिए ये बताया गया है कि जीनस एक ऐसा ग्रुप है, क्या एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होगा, किससे रिलेटेड है वो, एक जीनस एक ग्रुप है जो रिलेटेड है स्पीसीज से, ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है कॉमन है, किसके अगर हम कंपेयर करें स्पीसीज से। तो जीनस की डेफिनेशन यही है कि एक ग्रुप जो कि रिलेटेड है स्पीसीज से, जिसमें भैया बहुत सारे कैरेक्टर जो है कॉमन है इन कंपेरिजन टू स्पीसीज, ठीक है, ऑफ जीनस। वी कैन से डेट, इन्होंने बोला है जनरिया आर एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, जो जेनरिया या जीनस है वो क्लोजली रिलेटेड है स्पीसीज से, ठीक है। तो जीनस की डेफिनेशन यही थी कि एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज, इसके क्या है मोर कैरेक्टर जो है सिमिलर है एज कम्पेयर टू स्पीसीज। तो इससे कोई डेफिनेशन आती नहीं है, बट मैं ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आपको पूरा कर देता हूँ। फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिया पोटैटो एंड ब्रिंजल, ठीक है, आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बॉट बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेना। देखो इसमें बस यही बोला है, जो पोटैटो और ब्रिंजल है वो दो डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन दोनों जो बिलोंग करते हैं सेम जीनस, जीनस क्या है उसका सोलेनम। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, और जो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम होता है वो सोलेनम मिलोंजिला होता है। क्या होता है, सोलेनम मिलोंजिला। साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो वर्ड्स को अंडरलाइन करना जरूरी है, और ये स्मॉल होगा। मैंने गलती इसलिए करी ताकि आपको समझ में आए, पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा और आखिरी वर्ड स्मॉल, और जब आप लिख रहे हो तो दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो पोटेटो और ब्रिंजल, ये साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम मिलोंजिला। पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, ठीक है, दूसरा वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को, यही था ना। देखो अब ये कह रहा है कि इसने बोला कि देखो हमने पढ़ रहे हैं जीनस, जीनस वो होता है जिसका कैरेक्टर जो है मोस्टली कॉमन हो स्पीसीज से। तो देखो पोटैटो और ब्रिंजल का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, और पोटैटो और ब्रिंजल में इन्होंने बोला कि ये सेम जीनस को बिलोंग करते हैं सोलेनम को। भैया पोटैटो का जो जीनस है सोलेनम है, और ब्रिंजल का जो जीनस है वो भी सोलेनम है, दोनों का जीनस जो है सेम है, ठीक है, लेकिन जो स्पीसीज लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस है। सोलेनम ट्यूबरोसा हम बोलते हैं पोटैटो को, सोलेनम मिलोंजिला बोलते हैं ब्रिंजल को। तो देखो दोनों में सोलेनम जो है सेम, ये पहला वर्ड जीनस है, और जो स्पीसीज है वो अलग है। तो अब आ जाते हैं एनसीईआरटी में, देखो इसमें भी वही है कि देखो एग्जाम्पल दिया था पोटैटो ब्रिंजल का, इसमें जो पहला वर्ड है जीनस, जीनस क्या है सोलेनम, दोनों का पहला वर्ड जो है सोलेनम वो सेम है, तो जीनस लेवल पे सिमिलरिटी है, लेकिन स्पीसीज लेवल की बात करें हम तो वो अलग है, ट्यूबरोसम और मिलोंजिला अलग है, ठीक है।
तो इन्होंने ये समझाया था, इन्होंने एक एनिमल का एग्जांपल लेके आपको समझाया, जैसे लॉयन ले लिया, लेपर्ड ले लिया और टाइगर ले लिया। लॉयन, लेपर्ड और टाइगर में तीनों का जो जीनस है पेंथीरिया बोलते हैं, लॉयन को पेंथीरिया लियो और पेंथीरिया पेरेडस हम बोलते हैं लेपर्ड को, पेंथीरिया टिग्रस हम बोलते हैं टाइगर को। तीनों का जो जीनस है पेंथीरिया 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 वो सेम है, ठीक है, और जो स्पीसीज है वो अलग है, लियो पेरेडस और टिग्रिस ये तीनों अलग हैं, ठीक है, तो सिमिलरिटीज जीनस लेवल पे है। विथ सेवरल कॉमन फ्यूचर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पेंथीरिया द दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस इंक्लूड्स कैट। तो देखो इन्होंने यही बोला है कि यार, बोला है कि कुछ कॉमन फ्यूचर्स हैं एनिमल्स के में, जैसे लेपर्ड हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन फ्यूचर्स तो हैं। इनका जो है हंटिंग स्टाइल हो गया, और ये जो है क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, और इनका जो है मॉर्फोलॉजिकली जो है रंग अलग है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ जो है कॉमन है, ये भी मीट खाते हैं, वो भी मीट खाता है, टाइगर भी लॉयन भी मीट खाता है, तीनों कार्निवोर्स हैं। तो ये कुछ कॉमन फ्यूचर्स बोले गए हैं, ठीक है, ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पेंथीरिया, ठीक है, जो जितनी भी स्पीसीज है जिनका जीनस पेंथर है। द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस, अब कह रहे हैं देखो जीनस भी अलग हो सकता है दूसरे जीनस से। फेलिस विच इंक्लूड्स कैट, अब देखो एक जीनस को इन्होंने बोला जैसे फेलिस, फेलिस में कैट आती है, ठीक है, और कैट जो है किससे रिलेटेड होती है, लॉयन की फैमिली से। फैमिली को आप कैसे डिफाइन करोगे, फैमिली को भी वैसे ही डिफाइन करोगे, फैमिली जो है रिलेटेड होगी किससे, जीनस से। तो वही इन्होंने बोला है अगली कैटेगरी फैमिली है, फैमिली एक ग्रुप है जो रिलेटेड करेगा जीनस से, जिसमें क्या होगा बहुत कम सिमिलरिटीज होगी, ठीक है, जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे ऑर्डर क्लास में सिमिलरिटी बहुत कम होती रहेंगी, तो फैमिली लेवल पे सिमिलरिटी जो है कम होगी अगर हम स्पीसीज से कंपेयर करें तो, ठीक है। इसने बोला है कि सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज से कंपेयर किया तो फैमिली में कम सिमिलरिटी हुई। अब देखो फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फ्यूचर ऑफ प्लांट स्पीसीज अमंग प्लांट, फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनरिया सोलनम पिटूनिया एंड धतूरा प्लेस इन द फैमिली ऑफ सोलनी। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनरिया सोलेनम पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस इन फैमिली सोलोनेशी। तो देखो इन्होंने ये बोला है कि जो सोलेनम आपने अभी पढ़ा था जीनस था, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मिलोंजिला, आपने पोटैटो और ब्रिंजल के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि स्पीसीज से जीनस में कुछ सिमिलरिटीज थी, लेकिन अगर हम फैमिली में बात करते हैं तो फैमिली में भैया बहुत कम सिमिलरिटी रहती है अगर हम कंपेयर करें स्पीसीज को और जीनस को, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि फैमिली में, अब देखो एक फैमिली है सोलोनेशी जिसको हम बोलते हैं पोटैटो फैमिली, ये चैप्टर 5th में है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फैमिली के अंदर ये सारे एग्जाम्पल है, पोटैटो, आलू, टमाटर, धतूरा। अब देखो आलू और टमाटर एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ मैं, आलू टमाटर और ब्रिंजल बैगन, इन तीनों का शेप अलग है, कलर अलग है, साइज अलग है भैया, ना तो शेप मिलता है ना तो कुछ कैरेक्टर मिलते हैं भैया। कोई आलू जो है, आलू क्या होता है, आलू आप खाते थोड़ा कड़वा होता है, टमाटर थोड़ा अच्छा होता है, बैगन भी थोड़ा टेस्ट के हिसाब से अलग होता है। तीनों का कहने का मतलब मेरा ये कि तीनों की शेप अलग है, ठीक है, आलू टमाटर और ब्रिंजल की कलर अलग है, ठीक है, मतलब कोई मैच ही नहीं हो रहा, लेकिन ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप पेज नंबर 80, इस चैप्टर के पेज नंबर 80 चैप्टर 5th में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये एग्जांपल्स ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, वहाँ पे हमें दिक्कत ना हो। देखो इन्होंने एक सोलोनेशी फैमिली है, ठीक है, जिसमें ये सारे एग्जांपल्स हैं, पेज नंबर 80 पे अगर आप आएंगे तो सोलोनेशी फैमिली के एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे। देखो टमाटर, टमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेलंडेना, पिटूनिया, टोबैको, ये सारे देखो भैया, टमाटर का रंग अलग होता है, बैगन का रंग अलग होता है, आलू का रंग अलग होता है, चिल्ली जो है मिर्च का स्वाद अलग होता है, मिर्च का रंग अलग होता है, इन सब का रंग अलग है, स्वाद अलग है, टेस्ट अलग है, लेकिन ये सारे एक ही फैमिली के अंदर आ रहे हैं, ये सारे एक ही फैमिली के अंदर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, शेप अलग है, सब कुछ अलग है लेकिन फैमिली सेम है। वही जैसे 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 हम अपर लेवल पे जाएंगे, अभी हमने पढ़ा स्पीसीज से कुछ कैरेक्टर्स मिल रहा है जीनस का, लेकिन हम स्पीसीज से अगर फैमिली को कंपेयर कर रहे हैं तो भैया बहुत अलग है, समझ में आया, बहुत अलग है। हमने देखा आलू, आलू बैंगन तो भैया दिखते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, हम कोई रिलेट ही नहीं कर सकते भैया रंग से,
पहले तो चलो हम मानते थे कि टाइगर का रंग ऐसा है और लॉयन का रंग ऐसा है, तो हम मान के चलते थे, लेकिन भैया इसमें तो ना रंग मिल रहा ना वो, लेकिन ये सेम फैमिली में आ रहा है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लॉयन और कैट, हम बोलते हैं कि भैया ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्यों? वो भी शायद एनसीईआरटी में दिया हो, हम देख लेते हैं, इतना समझ में आया ठीक है। अब देखो हाँ ये तो प्लांट का एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, अब देखो एनिमल्स की बात करते हैं, जीनस में ले लिया आपने पैंथर, अभी आपने पढ़ा था ना जीनस में, देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो कि पैंथर लेपर्ड ये सारे आपने जीनस पढ़े थे, देखो जीनस तो बोला था कि दो या तीन भी हो सकते हैं, स्पीस जीनस तो सेम भी हो सकते हैं, स्पीसीज अलग अलग थी, हमने ये भी पढ़ा था। अब देखो इन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, जीनस ठीक है, एनिमल में जीनस पैंथीरिया लॉयन टाइगर ठीक है, इनका जीनस सेम था लेपर्ड, इस पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस, लेकिन कैट जो है, कैट का जो जीनस है वो अलग है, लेकिन उसकी फैमिली जो है इन सब की सेम है, ये सब जो है फैमिली फेलिडी फैमिली में आती है, फेलिडी में बिल्ली आती है, शेर आता है, तेंदुआ आता है, इन सब की फैमिली एक है, इसलिए हम बोलते हैं कि बिल्ली जो है शेर की मौसी होती है, क्योंकि उसकी फैमिली सेम है, समझ में आया? इसलिए हम बोलते हैं शेर की मौसी बिल्ली है, इसलिए क्योंकि फैमिली सेम है। लेकिन देखो जीनस में हमने देखा कि अभी पढ़ा जीनस तो सेम है, लेकिन स्पीसीज अलग थी, अब हम देख रहे हैं हमारे भैया स्पीसीज भी अलग हो गई और जीनस भी अब अलग हो गया ठीक है, लेकिन फैमिली जो है सेम है ठीक है। कैट में फेलिस, कैट का जो नाम है साइंटिफिक उसको हम फेलिस बोलते हैं, जिसकी फैमिली है फेलिडी, इसमें भैया लॉयन भी आता है, टाइगर भी आता है, और कौन आता है, पैंथर आता है, कैट आती है, ये फेलिडी फैमिली में आती है, लेकिन अब इनका जो वो जीनस है वो अलग है, इनकी जो वो है फैमिली वो सेम है, फैमिली सेम है लेकिन अलग कलर है, वही हम बता रहे थे ठीक है, तो समझ में आया। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, अब देखो अगर आप कुत्ते और बिल्ली को देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ सिमिलरिटीज मिलती है, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, पैर उनकी सिमिलरिटीज है, चार हाथ चार पैर होंगे, कान होंगे, आँख होगी, दे आर सेपरेटेड इंटू टू डिफरेंट फैमिलीज, लेकिन कुत्ता और जो बिल्ली है वो अलग अलग फैमिली में है, कैसे? हमने एक तो सिमिलरिटीज देखने के बाद हमने जो कंपेयर करा उसकी आवाज़ उसका शेप साइज, तो हमने बताया ये कुत्ता ये बिल्ली है, तो बिल्ली को हमने फेलिडी फैमिली में रख दिया, कुत्ते को हमने रख दिया कैनिडी फैमिली में ठीक है। जैसे आप देखते हो ना उसको वुल्फ को लोमड़ी को बोलते हैं ना, कुत्ते की फैमिली में से रिलेट करते हो, क्योंकि सेम उसका शेप स्ट्रक्चर बिलोंग होता है ना, ऐसे आप शेर को बोलते हो कि ये भाई बिल्ली की मौसी होती है इसकी, क्योंकि फैमिली इसकी सेम थी। अब बात करते हैं हम ऑर्डर, देखो हमने अभी पढ़ा था कि पीसीओ एफजीएस हमने पढ़ लिया था, ये ट्रिक थी याद करने की, अभी हमने स्पीसीज कवर कर लिया था, जीनस कवर कर लिया था, फैमिली, अब ऑर्डर की डेफिनेशन आप बनाओ क्या होगी, ऑर्डर वो होगा जो फैमिली से रिलेटेड हो ठीक है। यू हैव सीन अर्लियर डेट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज तुमने पढ़ ली, हाँ सर हमने पढ़ ली, जीनस पढ़ ली, हाँ पढ़ ली, एंड फैमिली पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ ली, आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, हमने देखा कि इनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स तो मिल रहे थे, और कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो मिल रहे थे, भले ही आगे कम हो गए लेकिन मिल रहे थे जनरली ठीक है। ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑर्डर के बाद जो अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्लास और फाइलम, उसमें कह रहा है कि आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स कैरेक्टर, अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसके एक सारे कैरेक्टर को इकट्ठा करने के बाद ठीक है। ऑर्डर बींग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर सबसे हायर कैटेगरी है, इस असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, वही इसको डिफाइन कराए कि ऑर्डर की कुछ भैया ऑर्डर वो होता है जो फैमिली से रिलेटेड कुछ सिमिलरिटीज शो करे वो ऑर्डर कहलाएगा, कुछ कैरेक्टर जो शो करे फैमिली से रिलेटेड वो ऑर्डर कहलाता है ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, लेकिन ऑर्डर में पहली बात क्या भैया, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, हम फैमिली जीनस स्पीसीज से कंपेयर करें तो ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो ऑर्डर में भैया जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं अगर फैमिली से कंपेयर कर रहा है तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जैसे देखो प्लांट की फैमिली का एग्जांपल दिया अभी इन्होंने, जैसे मैंने आपको दिया था सोलोनेशी एक फैमिली है जिसको हम पोटैटो फैमिली बोलते हैं,
दूसरा हम बोलते हैं फेबेसी फैमिली। फेबेसी जो फैमिली है वो क्या पल्सिस दालों की फैमिली, और ऐसी लिलियसी एक फैमिली होती है जिसको हम बोलते हैं अनियन फैमिली। ये तीनों अलग अलग है, लेकिन भैया इस इनमें भैया कोई सिमिलरिटीज ही नहीं है। लेकिन अब क्या बोल रहा है इसमें, एज कम्पेयर टू जेनरा इंक्लूड फैमिली प्लांट फैमिली लाइक कन्वर्सेंस सोलोनेशिया इंक्लूड इन द ऑर्डर। अब देखो एक इन्होंने ऑर्डर दे दिया, जैसे सोलोनेशिया एक फैमिली होगी, फेबेसी एक फैमिलीसी होगी, फेवेशी एक फैमिली होगी और लिलियसी एक फैमिली हो गई, ठीक है। तो इन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि भैया ये ज़्यादा अच्छी फैमिली है, ये ज़्यादा बुरी फैमिली है, इससे अच्छी फैमिली है। जैसे टाइगर की एक पूरी फैमिली होगी, लॉयन की एक फैमिली हो गई, एक कैट की फैमिली होगी। तो लॉयन की सबसे ज़्यादा इन्होंने दे दी, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस फैमिली है, तो इसको टॉप पर रख दिया। फिर ये उससे कम है, फिर कैट तो बहुत है ही नहीं, तो ऐसे इन्होंने एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो यही सब बोला गया इसमें, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, देखो इन ऑर्डर टू पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडाए। अब देखो वही बोला है, एनिमल में देखो इन्होंने ऑर्डर पे क्या डिफरेंस देख रहे हैं। ऑर्डर पे अब ये देख रहे हैं कि भैया एनिमल्स में देखा कि क्या ये मीट खा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे देखो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसी से सिमिलरिटी रिलेटेड चीज ही ऑर्डर कहलाती है, ठीक है। ऑर्डर समझ में बहुत सारी जो है डिफरेंस आ गया, अब क्लास में और डिफरेंस आ जाएगा। क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्डर से रिलेटेड चीज ही क्लास कहलाती है। देखो वो कैटेगरी जो इंक्लूड रिलेटेड टू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर से ही रिलेटेड हो तो वो क्लास है, ठीक है। इसलिए इससे क्वेश्चन आते नहीं है बेसिकली, क्योंकि सारा सेम रिलेट ही करना है तो क्वेश्चन क्यों देगा वो। इसलिए इससे क्वेश्चन आता है कि इसका अरेंजमेंट बताइए, ठीक है, जो कि याद रखना पीसीओ एफजीएस। फॉर एग्जांपल ऑर्डर में देखो प्रीमाटा कंप्राइजिंग मॉन्की गोरिल्ला एंड गिबन्स इज प्लेस इन द क्लास मेमेलिया। अब देखो अब क्लास में क्या बोल रहा है, देखो क्लास में जैसे वो मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो मेमोरी ग्लैंड हो, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हो, मेमोरी ग्लैंड, जिनकी बॉडी पे हेयर हो, जो दूध दूध प्रोड्यूस करे, वो मैमल कहलाते हैं। अब मैमल में भैया टाइगर कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो दूध देते हैं वो मैमल्स हैं, ठीक है, दूध प्रोड्यूस करे वो मैमल्स हैं। लेकिन देखो अब ह्यूमन भी तो मैमल्स ही हैं, अब ह्यूमन में कितना डिफरेंस आ गया है। ह्यूमन देखो चल फिर सकते हैं, ह्यूमन सबसे टॉप लेवल पे बोलते हैं, सबसे टॉप क्लास है ह्यूमन की। लेकिन अब मान के चलिए आप रैट है, डोंकी है, ये भैया ये भी तो मैमल्स ही हैं, कैट ये भी मैमल है, डॉग भी ये भी मैमल है, लेकिन इनका देखो कितना इवॉल्वमेंट है, हमारे अंदर कितना इवॉल्वमेंट है, तो वही देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो वही देखो आगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब मैंने आपको बताया फाइलम, फिर मैंने आपको डिवीजन बताया था। तो फाइलम में आपको बताया था कि फाइलम जो है एनिमल होता है, और फाइलम में क्या होता है क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस। वही फाइलम में अभी आप एनिमल किंगडम में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ये फाइलम्स होते हैं फिशेस एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स, इन सब के बारे में आप हायर कैटेगरी है, इन सब के इन सबको हम फाइलम फाइलम बोलते हैं, और इन सब के बारे में आप चैप्टर फोर्थ में एनिमल किंगडम में पढ़ोगे। देखो ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड डोसल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूड फाइलम कोडेटा। देखो आप चैप्टर फोर्थ एनिमल किंगडम में सबसे पहले यही पढ़ोगे, कोडेटा क्या होता है, नॉन कोडेटा क्या होता है, ठीक है। जिसकी नोटोकोड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम कोडेट्स बोलते हैं, जिसकी नहीं होती है उसको नोटोकोड नॉन कोडेट्स बोलते हैं। ये सब आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। अब किंगडम, किंगडम भैया एक टॉप मोस्ट कैटेगरी है, और किंगडम में कुछ है नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं। सारे एनिमली इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल द किंगडम प्लांट और द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट कॉम्प्रोमाइज ऑल प्लांट। देखो दो क्लासिफिकेशन को दो लेवल में बांट दिया जाएगा आगे, एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। इसमें वही आपको बताया गया है कि किंगडम आप प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर थर्ड एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम है, चैप्टर फोर्थ एनिमल किंगडम है, ठीक है। मैक्रोमिक कैटेगरी पूरा हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बोला गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज इन फिगर 1.1 द बोर्ड कैटेगरी हाउ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट डेवलप सब कैटेगरी हायरार्की टू फैसिलिटेट। अब ये कुछ नहीं है, इसको पढ़ने का फायदा नहीं है। अब देखो इन्होंने बोला है हायरार्की टेगर, एक आप फिगर ये वाली याद कर लीजिएगा जो कि मैंने आपको बताया है, और एक इन्होंने एक टेबल दिया है जो हायरार्की टेबल है, इसको आप याद करिएगा।
ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला इसमें, इन्होंने बोला डिक्रीजेस लोअर टैक्सा मोर कैरेक्टर आर द नंबर ऑफ टैक्सोन शेयर हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा सेम लेवल हैंस द टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब होता है हथियार, क्या क्या हथियार इस्तेमाल होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, वो टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाता है। देखो इसमें बोला यही गया है, वैसे इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट हर्बेरियम वगैरह से है, तो लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। टैक्सोनॉमिकल स्टडी में जब हम करते हैं बहुत सारी स्पीसीज, चाहे कोई भी स्पीसीज हो, चाहे हम प्लांट की स्पीसीज की स्टडी करें या एनिमल की स्पीसीज की स्टडी करें, ये सारे जो है, या कोई भी अदर स्पीसीज की हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, जितने भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज है ये हमारे लिए यूजफुल है, चाहे वो एग्रीकल्चर वे में हो, चाहे फॉरेस्ट्री वे में हो, चाहे इंडस्ट्री वे में हो, ये सारे हमारे लिए बेनिफिशियल है। और ठीक है, इन जनरल नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, ठीक है, दिस स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसने ये बोला है कि ये सारे हमारे लिए बेनिफिशियल तो है और ये इनसे हमारे बायो रिसोर्सेज भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब देखो ये बोल रहा है कि क्या कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको क्लासीफाई करना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पहचानने के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उसने ये बोला है कि क्लासीफाई करने के लिए आपको और पहचानने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, करेक्ट मेथड होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो उसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी चाहिए जिसमें आप उसके बारे में पढ़ सके, और फील्ड स्टडी, और उसका बिहेवियर को आप फील्ड में जाके एनालाइज कर सके, तो ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, अब आप देखो प्लांट या एनिमल कोई भी हो, अब आप उसको बार बार थोड़ो ना परेशान करोगे, तो आप उसका कुछ एक स्पेसिमेन ले लोगे, टुकड़ा ले लोगे लेबोरेटरी में जाके पढ़ने के लिए, इसका एक सेल निकाल के लेबोरेटरी में इसके इंटरनल बिहेवियर के बारे में देखोगे कि क्या क्रोमोसोम है, क्या जीन है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई नई स्पीसीज है। और अगर आप बाहर उसके बारे में आउटर कैरेक्टर देखना चाहते हो मॉर्फोलॉजिकल वे में, तो आप फील्ड में उसका बिहेवियर देखोगे कि कितने टाइम्स होता है, क्या क्या करता है, क्या क्या उसका बिहेवियर है, यही बोला गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो आप स्पेसिमेन लेके आप देख लोगे, एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल फॉर प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। अब बोल रहा है प्लांट और एनिमल स्पीसीज इतनी एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी डाइवर्सिटी में मैक्सिमम जो है प्लांट और एनिमल स्पीसीज ही है, इंसेक्ट्स प्लांट्स एनिमल स्पीसीज ही है हमारी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, यही बोला गया है। कहाँ पे था मैं, दीज आर आल्सो फंडामेंटल्स टू स्टडीज प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक, ठीक है। तो ये बहुत फंडामेंटल स्टडीज है, बेसिक स्टडी है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें और सिस्टम के हिसाब से इसको डाल दें, मतलब हमें एक ऑर्गेनिज्म मिला ए और यहाँ पे ए बी सी डी ये कुछ कैरेक्टर्स है, हमने देखा कि ए बी सी डी से मैच कर रहे हैं, और हमने देखा कि आगे जाके ई एफ जी एस से मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमने देखा डी से तो मैच कर रहे हैं, आगे ई एफ जी एस से मैच नहीं कर रहे, तो ये एक अलग स्पीसीज हो गई, तो ये कैरेक्टर मैच कर रहे थे, ये कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे, तो हमने अलग रख दिया इसको, ठीक है। बेसिकली इससे कुछ इतना आता नहीं है, आगे कहाँ पे था मैं, बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश कुछ प्रोसीजर, अब जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कुछ प्रोसीजर जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और टेक्निक उन्होंने एस्टैब्लिश करी हुई है कि क्या, टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। अब देखो क्या, अब आपने प्लांट और एनिमल ले लिया, ठीक है, अब उसके बारे में आपको बार बार स्टडी करना है, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या करा, यार हम बार बार उसको पकड़ेंगे नहीं, ऐसा करते हैं या तो उसको एक फील्ड में ही रख देते हैं, वो हमेशा वहाँ घूमता रहे, अपना खाना पीना करता रहे, या दूसरा हम उसका एक स्पेसिमेन ले लेते हैं, प्लांट का हमने स्पेसिमेन ले लिया, ताकि हम बार बार प्लांट को काटेंगे नहीं, एक स्पेसिमेन लेके हमने स्टोर कर लिया, जब हमें रिसर्च करनी होगी तो हम उसके उससे कैरेक्टर्स को मिलाते हैं, ठीक है। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम हर्ब का मतलब होता है क्या, छोटे पेड़ पौधे, हर्बेरियम का मतलब होता है हाउस, घर, तो हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है, किसका, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस को, जो हम प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं उसका स्टोर हाउस है हर्बेरियम, उसको हर्बेरियम में रखा जाता है, ठीक है। डेट आर ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन शीट, अब देखो किसी भी प्लांट को हमने स्पेसिमेन को लिया, उसको हमने क्या करा, एक शीट के अंदर डाल दिया, उसको कैसे दबा, इसको सुखा के ड्राई करके प्रेस दबा के और प्रिजर्व कर दिया शीट में, प्रिजर्व किसके बेसिस पे करते हैं, केमिकल के बेसिस पे। फर्दर दिस शीट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
अब इसको देखो, ये हर्बेरियम की कुछ शीट्स रखी है और हम इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के बिहाफ पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ए कैटेगरी की रखी होगी, बी कैटेगरी की रखी होगी, सी कैटेगरी की रखी होगी, डी कैटेगरी की रखी होगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, दीस स्पेसिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन। अब हम ये हर्बेरियम है, इसका स्पेसिमेंट तो हमने रख दिया इसमें, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हर्बेरियम में हर्बेरियम शीट बिकम स्टोर हाउस और रेस्पिरेटरी फॉर फर्दर यूज। जो हर्बेरियम की शीट होती है, इसके अंदर प्लांट सड़े ना, हम कुछ केमिकल डाल देते हैं और बाहर से हम मतलब एक कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये बोला गया है। अब देखो, स्टोर हाउस रेस्पिरेटरी फीस, हर्बेरियम शीट आर ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस, कलेक्टन, इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, एक्सेट्रा। हर्बेरियम आर ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल एड्स स्टडीज। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ हर्बेरियम के बारे में तो ज़्यादा समझ में आएगा। हर्बेरियम क्या है, एक प्लांट हमने लिया, उसको हमने एक शीट के अंदर डाल लिया, उसको कैसे प्रेस करके, उसको दबा के, उसको सुखा के हमने एक शीट के अंदर डाल दिया, ठीक है। जो हर्बेरियम की शीट होती है, क्वेश्चन आता है हर्बेरियम की शीट जो होती है उसकी लेंथ क्या होती है, 41 सेंटीमीटर जो वो लॉन्ग होती है और 99 सेंटीमीटर्स की ब्रेथ होती है, ठीक है। अब देखो, हमने शीट में जो डाल दिया, अब इसके ये जो शीट के अंदर ये प्लांट सड़े ना, तो इसमें हम कुछ केमिकल डालते हैं। क्या केमिकल डालते हैं, इसमें हम केमिकल डालते हैं जो कि नीट में आया हुआ है, HgCl2, मर्क्यूरियस क्लोराइड डालते हैं, जिससे कि ये प्लांट के अंदर बैक्टीरिया ना लगे और ये प्लांट खराब ना हो, प्रोटेक्ट प्लांट बैक्टीरिया। तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से। हर्बेरियम के अंदर क्या होता है, प्लांट को हम प्रेस करके रखते हैं किसकी फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, और यहाँ बाहर से केमिकल डाल देते हैं ताकि ये प्लांट सड़े ना। अब देखो, अब इस हर्बेरियम में क्वेश्चन नीट में ये आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जिस प्लांट को हमने पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका जनरल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सी डेट पे वो सर्च हुआ था, क्या उसका टाइमिंग है, ये सारे स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं, और जिसने जिस डिस्कवर किया था उसका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ कलेक्शन, जनरल नेम, जो जो है। क्वेश्चन नीट में ये आया था कि इस लाइन से क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। देखो, हम एक लेबल बना देते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कब वो डिस्कवर हुआ है, डेट की, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब उसको कलेक्ट किया था, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है और बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कलेक्टर नेम क्या है। आपको अगर ये मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर, एक मिनट, हर्बेरियम से क्वेश्चन आया हुआ था, आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी। ये क्वेश्चन 2016 में आया था, बोला था द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट क्या नहीं कैरी करती है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्या नहीं कैरी करती है। डेट ऑफ कलेक्शन हमें पता है, लिखा था, लोकल नेम होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, हाइट ऑफ प्लांट होती है, नहीं हाइट ऑफ प्लांट नहीं बताते। ये क्वेश्चन देखिए इसी लाइन से आया था, क्या कैरी नहीं करती है, देखो डेट तो पता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन ये भी कैरी करती है, और क्या कैरी करती है, डेट बता दिया, प्लेस बता लिया, फिर उसने बोला इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, ये सब बता रहा है, लेकिन हाइट के बारे में कहीं बोला है, कलेक्टर नेम सब कुछ बता दिया लेकिन हाइट के बारे में नहीं बोला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, डेट ऑफ कलेक्शन हमने पढ़ लिया, लोकल नेम पढ़ लिया, नेम ऑफ कलेक्टर पढ़ लिया, हाइट के बारे में नहीं बोला है, तो हाइट नहीं कैरी करती है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है आपको, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन, इससे भी क्वेश्चन नीट एम्स जिपर में आया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दीज स्पेशलाइज गार्डन, मार्क करते चलिएगा, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, एक स्पेशलाइज गार्डन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, जहाँ पे बहुत सारे लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और ये प्लांट को हम उगाते हैं फॉर, प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन, उगाते हैं फॉर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी प्लांट्स की स्पीसीज है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। एंड ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। और हर प्लांट को हम एक लेबल लगा देते हैं, मतलब कहने का मतलब, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप स्कूल में होंगे तो आपने देखा होगा आपके गार्डन में एक प्लांट होगा तो उसमें यहाँ बोर्ड पे नेम लिखा होगा, पीपल, उसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा, अगर आपके स्कूल में है तो, जिसके स्कूल में है उसको समझ में आ रहा होगा, या आप बोटेनिकल गार्डन में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा और कॉमन नेम लिखा होगा कि यह आम का पेड़ है, और साइंटिफिक नेम भी अलग लिखा होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हर प्लांट को हमने लेबल कर दिया,
उसके बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम से और इट्स फैमिली द फेमस बोटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन ये आता है पहला, क्योंकि नीट और एम्स, और एम्स में भी आया था और ये नीट में भी ऐसा, कि बताइए कि जो है फेमस बोटेनिकल गार्डन, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है। भैया सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन क्यू में है, क्यू बोटेनिकल गार्डन है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था ये कि ये बताइए इंडिया में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है। इंडिया में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन जो है वो पड़ता है हावड़ा में, जिसका नाम है शिवपुर कोलकाता। वो हावड़ा के इंडिया में पड़ता है, शिवपुर कोलकाता फेमस बोटेनिकल गार्डन है इंडिया का। दूसरा जो है बोटेनिकल गार्डन है वो लखनऊ में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है। तो आपको तीन चीज़ इसमें से देखनी है। बोटेनिकल गार्डन आपको पता लगा क्या होता है, हम बड़े बड़े प्लांट्स को उगाते हैं उनकी स्टडी करने के लिए। फिर उसमें दूसरा आपको देखना है कि सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे पड़ता है। इसमें बोला गया है जो सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है तो आपको ये याद रखना है, जो कि इंग्लैंड में है। अब फिर बोल रहा है इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ है, वो कलकत्ता में है। और फिर आपसे पूछ लेगा तीसरा क्वेश्चन कि लखनऊ में क्या है, लखनऊ में NBRI है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब देखो अगर आप 12th में पढ़ेंगे तो आपको एक्सीटू इंस्टीट्यू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीटू कंजर्वेशन इंस्टीट्यू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्सीटू कंजर्वेशन होता है जब हम प्लांट को उसके हैबिटेट से बाहर ले जाके उसको हम कन्वर्ट कर कंजर्व कर रहे हैं। आपको मैं भी जूलॉजिकल पार्क वगैरह में बताऊंगा, ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है अब बात करते हैं। म्यूजियम आपने देखा होगा अगर आप गए भी होंगे म्यूजियम में। देखो म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। आपके स्कूल या कॉलेज में आप म्यूजियम में गए होंगे तो उसमें क्या होता है, म्यूजियम में कलेक्शन होता है किसका, प्लांट्स का, या फिर स्केलेटन रखे होते हैं, या फिर आपको कुछ स्पीसीज रखी होती हैं जो आपको स्टडी करने के लिए मदद करती है। म्यूजियम में कलेक्शन होता है प्रेस प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज की फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए, ठीक है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार। आपने देखा होगा अगर आप म्यूजियम में गए होगे तो कुछ प्लांट और एनिमल को हम स्पेसिमेन को हम जार में रख देते हैं, तो प्रिजर्व करके उसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन मे आल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस। प्लांट और एनिमल के जो स्पेसिमेन है टुकड़े हैं उनको हम ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं, केमिकल डाल के रखते हैं ताकि वो सड़े ना, केमिकल इसलिए डालते हैं, ठीक है, कोई बैक्टीरिया अटैक ना करे, और बार बार उसको चेंज भी करते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट तो आपने देखा होगा म्यूजियम में कि इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, उसको कलेक्ट करके मार के और उसको पिन करके दबा के रखते हैं एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। लार्जर एनिमल जो होते हैं, बड़े बड़े एनिमल होते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, आपने म्यूजियम में देखा होगा, मैमल्स हो गए, आर यूजली स्टफ्ड, उनको हम क्या करते हैं स्टफ, उनको स्टफ करके और प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब उनके ऊपर कुछ केमिकल गिरा देते हैं और ऐसे ही इसको खड़ा करके रख देते हैं ताकि उस पर कोई ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम में आपने देखा होगा कि क्या डायनासोर के कलेक्शन आपको दिखेंगे, फॉसिल्स दिखेंगे, स्केलेटन्स दिखेंगे, ऐसे ही हाथी के दांत दिखेंगे, आपको बहुत चीज़ म्यूजियम में देखने को मिल जाती है। अगर आप गए होंगे तो आप समझ रहे होंगे म्यूजियम में होता है प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस होते हैं जिसमें हम स्टडी के लिए हम रखते हैं। ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड्स था। अब बात करते हैं हम किसकी, जूलॉजिकल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क आप जानते हैं जू क्या होता है, जू का मतलब एनिमल होता है जो पार्क में होता है, ठीक है। इनको हम पार्क में इसलिए रखते हैं ताकि वो सेफ रहे और लोगों को हम विजिट करा के उनके बारे में पढ़ा सके, ठीक है। दीज आर प्लेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर रखते हैं, कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। जंगली जानवर को हम प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखते हैं, मतलब जंगल में जो जो जानवर होते हैं अगर वो खतरे में होते हैं तो उसको हम जूलॉजिकल पार्क में लाके रख देते हैं, ठीक है। अंडर ह्यूमन केयर एंड इन विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है, ह्यूमन केयर के अंदर, ताकि हम उसके फूड हैबिटेट के बारे में पढ़ सके कि वो कितना खाता है, ये भी एक स्टडी है, और उसके बिहेवियर के बारे में। ऑल एनिमल इन जू, जितने भी जानवर है जू में, आर प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। देखो हम जो जूलॉजिकल पार्क है, हम जूलॉजिकल पार्क में फॉरेस्ट से ऑर्गेनिज्म को उठा के लाते हैं, एनिमल को एक अपना हैबिटेट बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, उसमें हम उसको रखते हैं, ठीक है, और उसको वही सिमिलर कंडीशन देते हैं
जो इसको फॉरेस्ट में चाहिए होती है, ठीक है। चिल्ड्रन को पसंद होता है विजिट करना पार्क में, कॉमनली कॉल्ड जूस। अब देखो जूस में बच्चे आते हैं, जानवर को देखने के लिए सब आते हैं, बच्चे बड़े सब देखने आते हैं। देखो अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। एक्सीटू का मतलब होता है बाहर से उठाना। अब देखो हमने एक एनिमल को जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं, एनिमल को हमने क्या करा, फॉरेस्ट से उठा के उसको हमने एक पार्क में ले जाके रख दिया बाहर से उठा के। एक्स मतलब बाहर से उठा के हमने इसको कहाँ, सीटू। सीटू का मतलब होता है कंजर्व कर दिया, कहाँ पे, बाहर से ले जाके अपने एक नेचुरल हैबिटेट में रख दिया, एक पार्क में ले जाके रख दिया। तो जो ऑर्गेनिज्म को हम बाहर से उठा के एक अपने नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करके हम रखते हो, एक्सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। समझ में आया? ये 12th में भी है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही हम जो उसमें हर्बेरियम में हमने पढ़ा था, बोटेनिकल गार्डन्स में हम उगाते हैं प्लांट्स को, तो वो भी एक एक्सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्सीटू कंजर्वेशन कौन है। की की बात करते हैं, की क्या होता है। की एक टैक्सोनॉमिकल एड है, एक हथियार है जिसमें क्या करते हैं हम, जिसको में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, हम देखते हैं की में सिमिलर और डिसिमिलरिटीज के बारे में हम देखते हैं, ध्यान देते हैं। की आर बेस्ड ऑन, की किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है तुलनात्मक कैरेक्टर्स के बीच में हम देखते हैं, जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट क्या होता है, कपलेट मतलब एक पेयर बना लेते हैं। जैसे हमने काउ ली, लॉयन लिया, ठीक है, हमने देखा कि इसमें चार पैर हैं, इसके भी चार लेग है, तो एक पेयर ये हो गया, एक कपलेट ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमने देखा दोनों की दो दो आंखें हैं, दो दो आंखें, एक पेयर ये हो गया, तो एक कपलेट ये बना लिया। तो ये हमने पेयर को जो बनाते हैं तो उसको हम कपल बोलते हैं, कपलेट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। अब देखो ये बताता है कि जो हमें चॉइस बताता है कि दो अपोजिट ऑप्शंस के बारे में, कि इसके चार मतलब चार पेयर हैं, फिर ये एक ऑप्शन हो गया, दूसरा हमने देखा कि दो पेयर हैं, फिर आगे हमें डिसिमिलरिटीज ये मिली कि ये इसका खाने का अलग है, इसका खाने का अलग है, ठीक है। अब देखो द रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। हर स्टेटमेंट जो होता है की में इज कॉल्ड लेड। अब देखो मान के चलिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो ये पेयर को मैं बोल सकता हूँ एक स्टेटमेंट, मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भैया गाय और पैर, गाय और लॉयन के चार पैर होते हैं, तो मैंने एक ये स्टेटमेंट दे दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट दे दिया मैंने कि जो है लॉयन जो है ज़्यादा खतरनाक है गाय से, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट ये दे दिया। तो जो मैं जितने स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसको हम बोलते हैं लेड, ठीक है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखो हमें अलग एक टैक्सोनॉमिक की जरूरत होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ने के लिए, जैसे फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये नीट में आया हुआ, ये अंडरलाइन कर लीजिए। की क्या होती है और आ भी सकता है, की जो है एनालिटिकल इन नेचर, मतलब की में हम एनालाइज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के बारे में, हम उसके बारे में एनालाइज करते हैं, मतलब पहले हमने क्लासीफाई कर लिया किंगडम लेवल तक, अब की में हम एनालाइज करेंगे कि भैया बिल्ली शेर से सिमिलर है लेकिन जो शेर ज़्यादा खतरनाक है बिल्ली से, ये हमने एनालाइज करा ना, उसके बिहेवियर को देख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख के हमने एनालाइज करा कि कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब देखो फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स के बारे में एंड कैटलॉग्स के बारे में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन। अब देखो फ्लोरा और फन्ना के बारे में आपने नाम सुना होगा, ठीक है। फ्लोरा क्या होती है, फ्लोरा एक बुक होती है, आप लिख लीजिएगा, जिसमें क्या होता है सारे प्लांट के बारे में हमें एक बुक के अंदर लिस्टेड डिस्क्रिप्शन होती है। मतलब जैसे आप किसी भी प्लांट को आगे देख लीजिए, आप उसका कैरेक्टर पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में फ्लोरा के अंदर पढ़ सकते हो। जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में सारे वर्ड्स की डिटेल होती है, वैसे ही प्लांट्स के सारे वर्ड्स की, सारे कैरेक्टर की डिटेल जो है आप फ्लोरा में पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें लिस्टेड डिस्क्रिप्शन होती है। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में दिल्ली का फ्लोरा किसने दिया था। दिल्ली का फ्लोरा जो है, मतलब हर एक स्टेट का फ्लोरा अलग अलग होता है, वैसे दिल्ली का फ्लोरा जो है जेके महेश्वरी ने दिया था, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर्स में। अब देखो बात आती है फना। फना क्या होती है, फना ऐसी एनिमल की बुक्स होती है जिसमें क्या होता है हम सारे एनिमल के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोग्राफ्स क्या होता है, होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू द वन टैक्सा ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड मोनोग्राफ। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं मोनोग्राफ के बारे में, जैसे मैंगो है,
मैंगो के बारे में आप देखोगे कि मैंगो की बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। फ्लोरा में तो आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि मैंगो भी एक स्पीसीज है और मैंगो की इतनी वैरायटी है, लेकिन आप हर एक वैरायटी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो आपको मोनोग्राफ में मिलेगा। मोनोग्राफ की आप बुक लोगे, बोलोगे मैंगो वाली मोनोग्राफ दे दो, तो उसमें आपको जितने भी मैंगो की वैरायटी है उसके सारी डिटेल के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है, मोनोग्राफ। अब बात आते हैं मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स। मैनुअल और कैटलॉग्स आपने देखा, ये कैटलॉग्स क्या होते हैं, और ऑर्गेनिज्म या किसी भी एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो कि एक कैटलॉग लगा के रख देते हैं। जैसे हम जू में जाते हैं तो जू में हम के बाहर ये कैटलॉग लगा देते कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ मिलेंगे, ये ऑर्गेनिज्म यहाँ मिलेंगे। दिस आर ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये सारी हमारी मदद करती हैं कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। फ्लोरा कंटेन, वही बोला है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, तो हमें बताएगा कि उस एरिया में कितना कहाँ कहाँ पे वो प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, गिवन इन जनरल, गिवन इन एरिया। वही देखो फ्लोरा के बारे में वही बोला गया है कि उस एरिया में कहाँ कहाँ पे वो प्लांट्स मिलेंगे और कहाँ कहाँ पे हैं। द प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, वही बोल रहा है। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल में वो होता है कि ये हमें बताता है कि ये स्पीसीज का नेम और वो कौन से एरिया में मिलेगी, ठीक है। मोनोग्राफ मैंने बताई दिया था, किसी एक टैक्सन, किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए हम मोनोग्राफ यूज़ करते हैं। तो ये तो आपने, हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म। मैं आपको फिर इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और अभी मैंने करवाए भी हैं, और टेबल भी मैं आपको एंड में ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है।